बहुत ही अच्छा है क्योंकि लड़कियां भी पढ़ना चाहती है और उन्हें कई बार मौका नहीं मिल पाता क्योंकि 18 के बाद ही कई लोगों के घर में शादी कर दी जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है और सरकार का समर्थन करते हैं हम इससे। 18 साल एज लिमिट सही है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियां उसमें शारीरिक तरीके से विकसित हो जाती थी पर मेंटालिटी उतना विकसित नहीं हो पाता था, तो 21 साल में वो हो जाएगा तो तो 21 साल सही होने है। वाला तो सही है। हाँ वो और सही क्या है। फायदा मिलेगा लड़कियों को अगर इस उम्र बढ़ाई जा रही है विभाग से? तो फ़ायदा बहुत कुछ है, पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाएगा, कुछ कुछ और बहुत सारे फायदे हैं इससे, लेकिन 21 साल सही है। इससे बहुत फ़ायदे होंगे और बॉयज़ और गर्ल्स में इक्वालिटी होगी और उनके मीन्स उनके मेंटालिटी, वही जो इसने कहा, मेंटालिटी भी ग्रो अप होगी और सब वाइड होगा वर्ल्ड। अब दोनों अब इक्वालिटी मीन्स इक्वल तरीके से दोनों को ट्रीट किया जाएगा। फायदा ये होगा कि हर लड़की ग्रेजुएट होगी और उसे पता होगा कि उसे क्या करना है आगे या क्या नहीं करना है। हम लोग को आगे बढ़ने का, पढ़ने का, कुछ करने का, अपने पैर पे खड़े होने का मौका मिलता है, आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अपने काम वाम जो भी है। बहुत अच्छे सोच है गवर्नमेंट का। हाँ, फायदा जो क्या होगा इसमें? इसमें फ़ायदा है कि हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे, आगे बढ़ सकते हैं, अपने पैर पर खड़ा हो सकते हैं और अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। जो 18 से 21 साल करने का, यदि आपने 3 काले कानूनों को एक दिन में पास कर दिया और जब आप फ्लॉप हुए तो एक दिन में आपने वापस ले लिया, तो इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, कर देना चाहिए था और तत्काल किया जा सकता था, पर नहीं किया है इसलिए संभावना नहीं लगती कि करेंगे। लेकिन यदि वास्तव में इसे किया जाता है तो उसे इम्प्लीमेंट कराने में आपको सभी राज्यों के साथ में तालमेल के साथ इस विषय को लेने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से इससे बाल विवाह को रोकने में एक मदद मिलेगी। लेकिन केवल एक किस कानून से आप सारे कानूनों को पालन नहीं कर पाएंगे, सभी कानूनों में आपको बदलावों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और इसलिए सबसे अच्छा होता कि आप या तो सभी राज्य के महिला आयोग से महिला मंत्रियों की एक बैठक कराते, राष्ट्रीय महिला आयोग को विश्वास में लेते और एक बैठक बुलवाया जाता, राय मशविरा किया जाता और उसके जो प्रस्ताव हैं उसके ऊपर भी चर्चा की जाती, तो हमको सभी राज्यों में समान रूप से इसे लागू करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। एक बार कानून बनाने से लागू नहीं हो पाता है, फिर उसमें दबाव करना पड़ता है पुलिस प्रशासन, तो हमें महिलाओं के इस बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे पर यदि निर्णय लेना है तो पहले एक आम राय बनाने की भी आवश्यकता है और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी आवश्यकता रहेगी। हर क्षेत्र की अलग-अलग आवश्यकता और मांग है और हर क्षेत्र में जो रीति रिवाज हैं, जो चलन है, कितने हमारे कानून में 18 साल था तब भी बाल विवाह अभी हो रहे थे, तो उन बाल विवाहों को रोका क्यों नहीं जा सका है? ये जब तक चीज़ें जानी समझी नहीं जाएंगी तब तक कानून बना देने से लड़कियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन करने के लिए एक आम राय मशविरा बनाना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 किए जाने के केंद्र सरकार के इस पहल का स्वागत है। ये बहुत ही बढ़िया पहल है क्योंकि देखिए 18 वर्ष में लड़कियां केवल 12th पास होती हैं और उसी वक्त उतना मिनिमम एज रखने से पेरेंट पर एक दबाव बनते चला जाता है, दोनों तरह का, कि शादी जल्दी कराई जाए ये भी, और दूसरी की और आगे पढ़ानी पढ़ाई भी छूटती है। 12th के बाद ड्रॉप आउट इसलिए और ज्यादा है, लड़कियां ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो इससे लड़कियों के पढ़ने का बढ़ेगा, वो 12th पास पे नहीं अटकेंगी, ग्रेजुएशन में जाएंगी, जैसे जैसे पढ़ेंगी लड़कियां तो बढ़ेंगी लड़कियां, क्योंकि फिर वो आगे जॉब करने का सोचेंगी, अपना व्यवसाय भी करेंगी, तो पढ़ी लिखी होंगी अच्छी तरह से करेंगी, तो बहुत से रास्ते खुलते हैं। इसलिए इस पहल का बहुत बहुत स्वागत है। परंतु जैसा कि मोदी सरकार की एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो बिना किसी परामर्श के ही हर फैसला करते हैं, तो देखिए ये सामाजिक कुरीति है, लड़कियों की शादी जो जल्दी कर दी जाती है, आज 18 वर्ष थी तब भी बाल विवाह हो रहे थे, तब भी लड़कियों की उम्र 13-14 साल
साल में शादी कर दी जा रही थी। तो ये जो सामाजिक कुरीति है, इसे सुधारने के लिए समाज की सहयोगिता आवश्यक है। तो उसके लिए समाज के लोगों से डिस्कशन करना चाहिए था, अवेयरनेस फैलाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है। तो और जो कि देखिए, लॉ पास कर दोगे आप, उसमें पनिशमेंट 18 साल में भी जो लॉ है अभी फिलहाल, उसके हिसाब से जेल में डालना चाहिए बाल विवाह अगर वो करते हैं तो, वो परिजन भी, तो उससे डेफिनेटली कुछ तो फर्क पड़ा है। लेकिन क्या लोग उससे हर कोई डरना शुरू कर दिया? तो नेगेटिव जो ये होते हैं कि पनिशमेंट वाला एक भय के कारण जो लोग लॉ नहीं तोड़ते हैं, उसके अलावा पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए पेरेंट को, खुद लड़कियों को, स्वयं लड़कियों के लिए कुछ मोटिवेशन होना चाहिए कि 18 की उम्र में शादी की उम्र नहीं होती है। लड़कियों को भी लगे कि हमें शादी तब करना है जब हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो ये स्वागत योग्य पहल है और इसे समाज को मिल करके इसे पूरा करना होगा और इसके लिए सामाजिक सहयोगिता की आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अवेयरनेस पर बहुत ध्यान देना होगा।